का शीर्षक है उदासीनता। उदासीनता आदमी को चलती फिरती जिंदा लाश के रूप में बना देती है, इसलिए उदासीनता को मन में भूलकर भी स्थान नहीं देना चाहिए। उदासीनता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह एक प्रकार से आलस्य की बहन है। आलस्य में तो आदमी आराम मतलब हो जाता है, वह अपना काम थोड़ी ढिलाई या देर से शुरू करता है, पर उदासीनता में तो काम ही रुक जाता है। किसी कार्य को संपन्न करने की इच्छा और सामर्थ्य रखते हुए भी जब हम कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो एक प्रकार से हमारे कार्य की प्रगति रुक जाती है, हमारे कार्य का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, उसका कोई निश्चित कदम नहीं होता है। लापरवाही से थोड़ा मिलता जुलता रूप उदासीनता का है। उदासीनता जब हमारे मन पर छा जाती है तो हमारे चेहरे का ओज समाप्त हो जाता है, हमारा चेहरा बुझा बुझा सा हो जाता है, हमारी आवाज मरी मरी सी हो जाती है, हाथ पैर ढीले पड़ जाया करते हैं, हमारा सारा उत्साह और मन का सारा उत्साह उल्लास समाप्त हो जाता है। निराशा तो घेरती नहीं है, पर काम के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। थोड़ा सा कर लिया, उस दिशा में हल्का सा प्रयत्न कर लिया, फिर ठंडे पड़ गए, रुचि समाप्त हो जाती है। अनिच्छा से जब हम कोई काम करते हैं तो वह हमारे लिए बोझा बन जाता है। जब काम बोझा बन जाता है तो हम उसे टालने लगते हैं या बेकार समझने लगते हैं। उदासीन व्यक्ति निराशा और आलस्य से भरे व्यक्ति से कहीं ज्यादा बदतर हो गया है। उदासीन व्यक्ति तो अपने जीवन में इस तरह की ठोकर खाता है कि फिर उसका उठना आगे बढ़ना एकदम असंभव रहता है। उदासीनता आदमी को चलती फिरती जिंदा लाश के रूप में बना देती है, इसलिए उदासीनता को मन में भूलकर भी स्थान नहीं देना चाहिए। हमेशा अपना मन उत्साह और उमंगों से भरा रखना चाहिए, इसी से आपको सुख मिलेगा। उदासीनता का शिकार व्यक्ति कहीं का भी नहीं रह जाता है, वो भंवर में फंसे आदमी के समान हमेशा चक्कर में पड़ा रहता है, उसका बेड़ा कभी पार नहीं होता है, उसके काम में हमेशा गहन अंधकार फैला रहता है। इस दुनिया का कोई भी सुख उसको नहीं मिलता, वह हमेशा शराबी की तरह कदम कदम पर लड़खड़ाता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। दार्शनिक इमर्सन का कहना है कि आनंद और उत्साह से भरा जीवन ही हमारी मानसिक उन्नति और सभ्यता का लक्षण है। जिस मनुष्य के मन में आनंद और उत्साह नहीं है वो एक जीवित मुर्दे के समान है। आनंद और उत्साह से ही हम हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था उदासीनता पर सकारात्मक विचार।